हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड एंड ब्यूटी। और मेरा नाम है अंजलि। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक और रिव्यू करने जा रही हूँ जो कि एक फ्रिज का रिव्यू है। और ये डबल फ्रेंच स्टाइल फ्रिज है ये, और जो कि आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके मॉडल के बारे में जानते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है ये, तो जो कि अभी हमने इसे परचेज़ किया है, घर पर मेरे आया है फ्रिज। तो चलिए अब मैं इसको खोल के आपको मॉडल नंबर दिखा देती हूँ। तो आप वीडियो में देख सकते हैं मॉडल नंबर, जूम करके यहाँ पे सब कुछ डिटेल दी हुई है। और इसके बाद हम फ्रिज की लुक के ऊपर जाते हैं। फ्रिज के अंदर की जो भी फीचर्स हैं उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले वेजिटेबल के लिए है, फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स रख सकते हैं। फिर यहाँ पर फ्रूट और वेजिटेबल्स रख सकते हैं, दो बास्केट दिए हुए हैं। और उसके बाद हमें तीन रैक दी हुई है, मतलब कि तीन तरह के खाने दिए हुए हैं जिसमें हम अपने खाने पीने की चीज़ें रख सकते हैं। और दूसरी तरफ फ्रीज़र है, मतलब एक डोर जो है, एक डोर में सारे फ्रीज़र है और दूसरे डोर में नॉर्मल फ्रिज वाली चीज़ें रख सकते हैं। और अब इस तरह का जो है हमें प्रिकॉशंस के लिए दिया हुआ है, यानी कि कैसे यूज़ करना है ये भी इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये है फ्रीज़र वाली साइड, जो कि गेट में भी फ्रीज़र है, यहाँ पे आप आइस क्यूब्स वगैरह जमा सकते हैं। और बाकी के तीन और खाने दिए हुए हैं जहाँ पे हम फ्रीज़र में रख सकते हैं। यानी कि कुल मिला के टोटली बात ये है कि इसमें काफ़ी सारा स्पेस है, बहुत सारी चीज़ें हम फ्रीज़र की स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि मटर है, मैंगोज़ हैं, फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, आइसक्रीम्स बनानी हैं, कुल्फ़ी बनानी हैं, या फिर हमें मटर भी हमें स्टोर करके रखने होते हैं तो हम कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत इजी है। ये पूरा फ्रीज़र का खाना है, बिल्कुल फ्रीज़र है ये पूरा। और एक साइड वन डोर वाली साइड और दूसरी डोर वाली साइड सारा फ्रिज है। तो आप देख सकते हैं ये आइस क्यूब की जगह दी हुई है, बाकी के यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, चाप हो गई, कुछ भी रख सकते हैं फ्रीज़र में। और फ्रोज़न मटर हो गए, फ्रोज़न मकैंस हो गई, फ्रोज़न कॉर्न हो गए, कॉर्न स्वीट कॉर्न होते हैं जो। तो अब हम आते हैं दूसरी तरफ जहाँ पे फ्रिज वाला खाना है। फ्रिज वाले खाने में हम नॉर्मली जो है खाना जो है हमें स्टोर करके रखना होता है, वो हम यहाँ रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका लुक, टोटल लुक इसका इस तरह से है, बहुत ही स्टाइलिश लगता है फ्रिज इस तरह का। फ्रेंड्स, जो फ्रीज़र का जो गेट है उस पर टच स्क्रीन, हम यहाँ पे टच स्क्रीन ऑप्शंस पे भी हम क्लिक करके इसको फ्रिज को ऑपरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर का कितना जो है लाइटनिंग जो दी है वो वाइट दी हुई है, कितना सुंदर ब्राइट लग रहा है। तो यहाँ पे हम टच स्क्रीन ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इस तरह से फ्रिज चला सकते हैं। ये जो फ्रिज है फ्रेंच स्टाइल फ्रिज, कितना स्टाइलिश लग रहा है ये। ये लगभग जो है 72,000 रुपीज़ का पड़ गया था हमको। मॉडल देख सकते हैं GCB247SLUV है ये, और इस पे साथ में इंस्टॉलेशन गाइड का सारा कुछ दिया हुआ है, सब कुछ टोटली सब कुछ। बुकलेट भी आई थी जो कि इसमें अच्छे से ऑपरेट करना बताया हुआ है, टच स्क्रीन को कैसे ऑपरेट करते हैं फ्रिज को। इस इंस्टॉलेशन के बाद आप इसमें टेम्परेचर सेट कर लें और उसके बाद अपना यूज़ करना शुरू कर दें। जिसमें टच स्क्रीन लॉक सिस्टम भी है जिसे हम लॉक कर सकते हैं ताकि बच्चे ना छेड़ सकें फ्रिज को। घर में नया फ्रिज आया है तो मैंने एक छोटा सा शुभारम्भ कर दिया तिलक लगा के, सभी के घरों में ऐसे ही किया जाता है तो मैंने भी ऐसे ही किया। तो फ्रेंड्स, इस पे वाईफाई से भी हम कनेक्ट करके इसको फ्रिज को ऑपरेट कर सकते हैं। और फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो 20 से 27 डिग्री तक है, और फ्रीज़र का टेम्परेचर है वो 1 से 5 डिग्री तक है, का 1 से 5 तक, और फ्रिज का 20 से 27 तक है टेम्परेचर। हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं इंटरनेट से, वाईफाई से कनेक्ट करके भी। तो देखा कितना ईजी है, कितने नए नए फीचर्स भी हैं, और इसे काफ़ी चलाना इजी भी है। तो आई होप कि आपके लिए काफ़ी इजी रहा होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद है, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं इस तरह से आप लोग की अच्छी अच्छी वीडियोज आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।